वैसे पूछे नहीं मेरा माइंड चेंज हो गया पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते से क्यों नहीं नहीं अच्छा शादी करनी नहीं है नहीं अब मेरा अब मैं ना लेट करूंगा जब मैं ना मैच्योर हो जाऊंगा खुदा ना खास्ता क्या आप मुझसे शादी करेंगे शदाब खान नो आई एम नॉट द वन सेइंग दिस मैं नहीं कह रही भैया दुनिया भर की लड़कियां कह रही हैं एयरपोर्ट पर भीड़े लगे जा रही हैं उनके लिए पोस्टर्स बैनर्स ले लेके लड़कियां खड़ी भी हुई है कि किस तरीके का ऑब्सेशन है यार ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हे हाय हेलो नमस्ते जी सत सच्रीक असलाकुम आई एम निधि शर्मा फ्रॉम इंडिया सईद अजमल साहब के साथ उनका एक बहुत ही

पूरे सीरीज के दौरान ही ताबड़ तोड़ रही थी यार तो he deserves all this respect. एक बार इस इंटरव्यू को देखते हैं फिर बहुत सारी क्या? मतलब आप पूछ रहे हैं, CEO, इतने से, उससे पूछे कि उसकी शादी कब होगी ये हसन अली <laughs> मेरे साथ हैं देख लें ये बार बार पूछे इशारे कर रहे थे बट ये है पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते से क्यों अच्छा। शादी करनी नहीं है नहीं अब मेरे, अब मेरे मैं ना लेट करूंगा जब मैं ना मैच्योर हो खुदा <laughs> तो कभी आपको मतलब बाबर आजम कहीं आगे पीछे होता है तो आगे पीछे वर्ल्ड कप के लिए कैप्टनसी मिल जाए तो कैसा फील होगा आए हाय <laughs> कौन सी ग्राउंड आपको सबसे अच्छी लग लॉर्ड्स उसमें तो स्पिनर कुछ नहीं कर सकते नहीं करता कुछ नहीं है लेकिन पसंद है आसाना आपकी कितनी बारह साल है खेलने की इतनी नहीं पूछी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन वेलकम टू माय चैनल आज हमारे पास एक सुपर डुपर परफॉर्मर पाकिस्तान के यंग उभरते हुए लेग स्पिनर शदाब खान मौजूद हैं आज ये है हम उनसे बात कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अल्लाम भाई कैसे हैं कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जब आप यंग थे आपको शौक़ था क्रिकेट खेलने का यंग थे नहीं मैं भी भी जाऊंगा जाऊँगा सहीदीन आई मीन के जब आप टीन एज में पंद्रह चौदह तेरह साल के नहीं इतना नहीं था मुझे फुटबॉल खेलने का शौक था अच्छा तो... माशा तो मैं खेलता भी था फुटबॉल अंडर सिक्सटीन की टीम में मैं सेलेक्ट भी होता लेकिन मैं खेला नहीं वहाँ से लेकिन मुझे फुटबॉल का ज्यादा आपके क्लब का क्या नाम सदीक अकबर माशा ये मियाँ वाली में नहीं नहीं ये रावलपिंडी में है मेरा और मोहम्मद नवाज का एक ही क्लब है अच्छा माशा मुझे लगता है ग्राउंड में जब आप इनके गप लगाते हैं नवाज का आपका बेस्ट फ्रेंड मुझे ये बताएं अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपकी पहली दफ़ा सिलेक्शन हुई आप आ, बेस्ट प्लेयर थे बेस्ट बॉलर पाकिस्तान की तरफ से मैं बेस्ट बॉलर था वैसे ओवरऑल में तीसरे नंबर पे था इस पाकिस्तान की तरफ से आपने टॉप परफॉर्मर उसके बाद आ, हमारी आपके ऊपर नज़र पड़ी इस्लामाबाद की हमने आपको सिलेक्ट किया एज ए एमरजिंग प्लेयर इस्लामाबाद की तरफ से जो आपको इंट्रोड्यूस हुए मतलब कि स्क्रीन के सामने टू में तो आपकी परफॉर्मेंस बड़ी हाईलाइट हुई उसके हवाले से आप बताएंगे जी बिल्कुल सहीद भाई अंडर नाइन्टीन के बाद जब मेरा पाकिस्तान कप में भी डेब्यू हुआ तो उसके बाद जब मैं पाकिस्तान ए के टूर्स किए तो उस टाइम ही थोड़ा आइडिया हो रहा था कि यार मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलूंगा लेकिन पीएसएल में पिक हुआ और इस्लामाबाद ने एज एमर्जिंग प्लेयर मुझे पिक किया था तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही और उसके बाद अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और पाकिस्तान के लिए भी खेला एक्चुअली आपकी बैटिंग की बड़ी तारीफ की है लोगों ने आपको किस टाइम पे ऐसे लगा कि आप एज ए बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं जो आपको पी, पी एस एल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऊपर खेलने का मौका दिया है तो आपकी ये गट्स कहाँ से ये करंट कहाँ से निकल के बाहर आए हैं भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो लेग स्पिनर था लेकिन उसके बाद मैंने तीन साल सिर्फ बैटिंग ही की है क्लब क्रिकेट में तो बॉलिंग नहीं करता था और जब मैं पाकिस्तान के टूर में मैंने सेंचुरी की थी तो उधर से मुझे फील हुआ था कि यार मैं बैटिंग कर सकता हूँ बड़े स्टेज पर भी और जब मैं पी खेला फर्स्ट ईयर उसमें भी मेरे एक इनिंग्स थी जिसमें मैंने फोर्टी किया था लाहौर के ख़िलाफ़ तो आपको जब आप बड़े स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हो तो आपको अपने पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता जब आपका डेब्यू डेब्यू हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कैसा फील और सईद भी आपको पता है कि प्राउड प्राउड मोमेंट होता है उस ते, उस टाइम क्योंकि आप जब क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो आप यही सोच के स्टार्ट करते हैं कि आपने अपनी कंट्री के लिए खेलना है और जब आप ग्राउंड में उतरते हैं पहले डेब्यू मैच में तो बिल्कुल प्राउड फील होता है क्योंकि सिर्फ आप नहीं आपकी पूरी फैमिली के लिए प्राउड प्राउड मोमेंट होता है और जिस तरह का डेब्यू भी हुआ था तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र आप अपने आप को कब फील करेंगे कि आप टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान के लिए रेगुलर बॉलर बने मतलब कि आपकी बॉलिंग तो अच्छी है मगर आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म की जो बॉलिंग है उसके ऊपर कुछ जी बिल्कुल सहीद पे फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा खेलो जितना मौका मिलता है अभी भी खेल रहा हूँ लेकिन शायद कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें मुझे आ, वो छोड़नी पड़े वाइट बॉल रे, रेड बॉल के लिए तो इन मैं रेड बॉल के लिए वो चीज़ें छोड़ूं। भी छोड़ूंगा सहीद भाई क्या मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सी, इतने सीरियस से उससे पूछे कि उसकी शादी कब होगी ये हसन अली मेरे साथ हैं देख लें ये बार बार पूछे तो मुझे इशारे कर रहे थे बट ये है कि इसे पूछें नहीं मेरा माइंड चेंज हो गया पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते से क्यों नहीं, नहीं अच्छा शादी कर रही नहीं है नहीं अब मेरे अब मैं ना लेट करूंगा जब मैं ना मैच्योर हो जाऊंगा <laughs> <लाग रहे। laughs> <laughs> ये थोड़ी मजाक की बातें थी मगर ये है कि थोड़े अच्छा मजाक <laughs> की बातें थी लेकिन छोड़े छोड़े <laughs> <laughs> ये क्योंकि ये पर्सनल पे सवाल नहीं करें ये शदाब खान आपके हाँ, हसन अली आपके टीममेट हैं ये टीममेट के अलावा आप बेस्ट फ्रेंड भी हो आप जी बिल्कुल आ, बेस्ट फ्रेंड भी हैं और ये है। आपका ग्रुप का क्या नाम है जो आप कॉल कर रोटी ग्रुप रोटी ये लगता तो नहीं कहाँ ये रोटी खाते भी हैं नाम ही सिर्फ नहीं सिर्फ नाम, नाम, है? नाम है रोटी खाते नहीं है कि हम कुछ और खाते हैं लेकिन रोटी नाम है, देसी नाम है ना कुछ मतलब कुछ खाने में कुछ और मतलब स्टेक अब हाँ, हम बर्गर बच्चे बन गए हैं ना हम स्टेक वगैरह भी खाते हैं ओके ओके मतलब कि वो खाबे शाबे बंद कर दिए हाँ खाबे पाकिस्तान की फिटनेस का लेवल भी हाई करना है ना वो तो नंबर वन पे है ना फिटनेस पे आप भी कुछ कम नहीं जी बिल्कुल नंबर वन पे है बस हम भी कोशिश करें के उसके पीछे पीछे जाएँ नहीं आप उसके पीछे मत जाएँ आप अपनी फिटनेस का हाल बताएं कि अब आप ये ये जो फिटनेस के बाद आप टीम से बाहर होते हैं मुझे पता है इसका बड़ा दुख होता है आया कि अब जो आप बॉलिंग कर रहे हैं इसमें आपकी वो लेक लग रही है तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है बिल्कुल सही भाई जब आप आपको पता है जब आप फुली फिट होते हैं तो आपका रिदम आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो अलहमदिल्ला जिस तरह के अभी मेरी पूरी बॉडी लग रही है बॉल पे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और अलहमदिल्ला रिदम वापस आ रहा है जी माशा करे आपका रिदम वापस आए टू थाउजेंड सेवनटीन चैम्पियन ट्रॉफी आपकी टीम जीती है हमें तो बहुत खुशी हुई है हम भी, भी खुशी भी देखना चाहते हैं कि वो एक्साइटमेंट जो ग्राउंड के अंदर देखें वो जब हम टू थाउजेंड नाइन का वर्ल्ड कप जीते एक ही वर्ल्ड कप चैम्पियन ट्रॉफी जीतने का वो जो मज़ा है ना वो भी इंडिया के खिलाफ बिल्कुल से भी आपको पता है कि आप खेले हैं वर्ल्ड कप वगैरह भी और बड़े स्टेज पर के टूर्नामेंट आप जब खेलते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर होता है आप जितनी मर्जी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल हो लेकिन जब आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होगा वो डिफरेंट प्रेशर होता है और स्पेशली अगर आप फाइनल खेल रहे हो इंडिया के खिलाफ इंडिया के खिलाफ वैसे भी आपका नॉर्मल भी मैच हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और uh, सिर्फ भी बस uh, वो अल्फाज में बयान नहीं करा सकते है. जितनी खुशी हुई थी जब हम चैम्पियन ट्रॉफी जीते थे तो uh, मेरे ख्याल से अल्फाज में बयान नहीं हो सकते कौन सी लीग आपको ज़्यादा खेलने में मतलब बिग बैश सी पी एल पी एस एल कौन सी लीग और बी पी एल पी एस एल तो अपनी लीग है तो इसका तो अपना ही मज़ा है लेकिन पी एस एल के अलावा बिग बैश खेलने का मजा आया क्योंकि वो चैलेंजेस था क्योंकि स्पिनर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है तो बिल्कुल वो चैलेंजेस लीग थी तो इस उससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे अभी आप इस साल आपका एग्रीमेंट हुआ है हंड्रेड बॉल टूर्नामेंट के लिए आप जा रहे हो कि अभी बिजी लग रहा है मुझे, मुझे नहीं अभी बिज़ी हूँ क्योंकि अब हमारा पहले टेस्ट मैचेस से अब वो चेंज हो गए तो आप टी है, पांच टी ट्वेंटी और आपको पता है कोविड की वजह से क्वारंटाइन का इश्यू है तो इस वजह से इस साल नहीं खेला जब आप पहली दफा पाकिस्तान की तरफ से आप एज ए कैप्टन न्यूजीलैंड में कैप्टन की कैसा फील हुआ हो आपको पता है कि जब आप स्टार्ट भी क्रिकेट करते हैं तो सिर्फ ये माइंड होता है कि आप पाकिस्तान के लिए खेलें और अगर आप कंट्री को एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे ऑनर की बात हो नहीं सकती और आ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जितना ज़्यादा अल्लाह शुक्र अदा करें उतना काम और पी एस एल में एज ए कैप्टन वो तो हम आपको प्रमोट कर ही रहे हैं आ, आपको कितनी हेल्प मिली एज ए कैप्टन कितना कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड हो रहा है कि आपको अगर पाकिस्तान के लिए दोबारा जारी बात आप वाइस कैप्टन है पाकिस्तान टीम के आपको इसकी बहुत मुबारक हो आप अनाउंस भी हुए हैं तो अगर खुदा न खास्ता कभी आपको मतलब बाबर आजम कहीं आगे पीछे होता है तो आगे पीछे वर्ल्ड कप के लिए कैप्टनसी मिल जाए तो कैसा फील होगा आए हाय अल्लाह <laughs> ना ऐसा बाबर आजम के लिए नहीं मैं कह रहा <laughs> ये मैं ये नहीं <laughs> कह रहा कि बाबर आजम वर्ल्ड कप से निकल जाए बट ये है कि नहीं नहीं अल्लाह वही रहे क्योंकि हमारा मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एवर प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे और वो खेले लेकिन बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको प्राउड फील तो होता ही होता है लेकिन होपफुली वो वही फिट रहेगा और वही करे नहीं बिल्कुल अच्छी बात है देखें हम बिल्ड भी कर रहे हैं प्लेयर को प्रमोट भी कर रहे हैं आप बताएं इस्लामाबाद यूनाइटेड कैसी फ्रेंचाइज़ है आ ये फैमिली की तरह फ्रेंचाइज़ क्योंकि मैं जब पाँच साल हो गए मुझे इधर खेलते हुए तो ए, एक एक फैमिली की तरह है जिस तरह का एटमोसफेयर है क्योंकि जब मैं नया भी आया था एमर्जिंग प्लेयर भी तो उसी तरह ट्रीट किया जिस तरह अभी मुझे ट्रीट करते हैं तो बिल्कुल ये ये फ्रेंचाइज़ की अच्छी बात होती है कि अगर आपको जब आप कुछ भी नहीं होते और अगर आप सब कुछ होते हैं तो आपको एक जैसा ट्रीट किया जाए तो वो वो सबसे अच्छी फैमिली की बात होती है। आपका ड्रीम है कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच में एक रेगुलर मेंबर बनना बिल्कुल क्योंकि वाइट बॉल तो मैं काफ़ी अर्से से खेल रहा हूँ लेकिन इन रेड बॉल में भी जिस तरह मैं वाइट बॉल में खेल रहा हूँ उसी तरह कोशिश करूँगा रेड बॉल में परमानेंट मेंबर। हसन अली तो पिछले सारे कर रहा है कि वो आ, बहुत मुश्किल है ये नहीं हर चीज़ आपको पता है लग मुश्किल है लेकिन आपको अगर खुद पर कॉन्फिडेंस हो तो आसान हो सकती फेवरेट बैट्समैन करंट आपका, फेवरेट आपका जो भी दुनिया में जो भी है स्टीव स्मिथ मुझे वैसी पसंद है शुरू से तो वो तो वैसी फेवरेट है आ, उसके अलावा रोहित शर्मा आ, और हमारा बाबर आजम अच्छा तीन है माशाल्लाह और फेवरेट बॉलर फेवरेट बॉलर क्या या, मुझे वो पैट कमिंस और हेजलवुड के एक्शन पसंद है तो वो दोनों अच्छा कौन सी ग्राउंड आपको सबसे अच्छी लग लॉर्ड्स

नहीं चैंपियन ट्रॉफी बड़ी अल्लाह करे इस साल आप जीते हैं ये साल तो, तो शायद वो भी है ड्रीम आप क्या वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं जी। पाकिस्तान के जी। लिए फाइनल जी वर्ल्ड कप आ भी रहा है पास पास है ये टी ट्वेंटी का तो पहले आ रहा है जी जी बिल्कुल कोई भी वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप तो आपको लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं होगा यूएई में हो सकता है जिस तरह के अभी हालात लग रहे हैं तो लग तो यही रहा कि में लगता प्रैक्टिस तो कर रहे हैं पे कैसा लग रहा है कि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमें मिली है अनफॉर्चुनेटी पाकिस्तान में नहीं हुआ पी एस एल तो इधर इधर हमें ज्यादा आइडिया हो जाएगा हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्योंकि हम पहले भी जहाँ खेलते रहे तो हमें इन पिचिस का ज्यादा आइडिया तो हमारे लिए हाल मैं अपने व्यूवर से ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड कप यू में है क्योंकि जो इंडिया के हालात चल रहे हैं उन्होंने अपना आई भी यहाँ मूव कर लिया उस वजह से मैं इन केस कह रहा हूँ कि शायद ये वर्ल्ड कप हो जाए तो लग रहा है यही होगा शारजा की ग्राउंड कैसी लगेगी आपको जहाँ पे छक्के बहुत मारेंगे आप नहीं मैं मारूंगा भी सही है उसको टेंशन होती है कि खाने भी पड़ते हैं ना वो बहुत छोटी है हाँ क्योंकि ऑलराउंडर <laughs> है और ऑलराउंडर के लिए क्रिकेट खेलना दोनों तरफ से उन्हें परफॉर्म करना है बॉलिंग एंड बैटिंग से आप ये बताएँ कि अब जो पी एस एल जा रहा है आपकी टीम को कैसा आप कैसा फील कर रहे हैं कि आपकी टीम जो माशाल्लाह परफॉर्मेंस तो अच्छी दे रही है तो एज ए कैप्टन आप क्या क्या चाह रहे हैं टीम से और इसके अलावा हाँ सैद भी अलहमदुल्ला जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हो रही हैं उसी तरह कंटिन्यू करें आ, जो गलतियाँ हमने क्योंकि आप जीतते भी हैं तो उसमें भी गलतियाँ तो होती हैं कोशिश कर देंगे कि, कि जो हम गलतियाँ कर रहे हैं वो ना दोहराएँ दोबारा और जो क्योंकि हम यंग टीम हैं

Uh, कोशिश करेंगे अपना हंड्रेड परसेंट देंगे और बाकी रिजल्ट तो अल्लाह ताला के हाथ में लेकिन इनशाला हम अपनी एफर्ट पूरी करेंगे कि हम तीसरी बारी भी इस्लामाबाद में ट्रॉफी लेके जाएं जाएँ और फैंस के लिए कोई छोटा सा अच्छा सा बेहतरीन सा एक मैसेज दे दें जी फैंस के लिए ये कि इस्लामबादा यूनाइटेड को जिस तरह आप शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं उसी तरह सपोर्ट करें और होपफुली uh, हम आप सब लोगों को एक तीसरी uh, तीसरी बार चैंपियन बना के खुशी देंगे तो उसी तरह सपोर्ट करें कोविड है कोविड में आप आ नहीं सकते तो आप टीवी में बैठ के हमें सपोर्ट करें थैंक यू और इसके अलावा अभी एक छोटा सा मैसेज पाकिस्तान पी के अलावा दें पूरे ब पाकिस्तान वाम के लिए फ़ैंस के लिए यही पैगाम है कि कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह आप शुरू से कह रहे हैं अच्छे बुरे टाइम में आपने हमें सपोर्ट किया उसी तरह हम सपोर्ट करते रहे इन सब लोगों को खुशियाँ देंगे इनशाला बहुत शुक्रिया शदाब भाई आपका आपका ए, मेरे चैनल पर आने का और आपके इंटरव्यू देने का इनशाला आपको ज़िंदगी में और कामयाब करें और आप हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें बहुत थैंक यू सो थैंक यू वेरी नाइस इंटरव्यू और जो भी सारी दुआएं इन्होंने एंड में दी मैं वो सब आपको देती हूँ कि इन आप पाकिस्तान का खूब नाम रोशन करें आपको जिंदगी में बहुत अच्छे नए काम आप करें और सक्सेस ही सक्सेस मिले उन्नति ही उन्नति हो मुझे एक चीज़ शदाब खान भाई साहब की ये बहुत बढ़िया लगी कि जैसे ही उन्हें कहा गया कि बाबर आजम कैप्टनसी से हट कर अगर आपको कैप्टन बना दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा ये सेट अरे नहीं भाई मुझे क्यों नहीं रहने दो बहुत कैप्टन है ये एक बहुत ही अच्छे दोस्त होने की निशानी एक सपोर्टिव ह्यूमन बींग होने की निशानी एक शदाब

स्टिल आई आम लर्निंग उर्दू एंड इन शाह लर्न इट टोटली उम्मीद यही करती हूँ की आज ये का ये इंटरव्यू आपको बेहद पसंद आया होगा मुझे तो बड़ा अच्छा लगा बड़े फनी है नोटी है <laughs> हंसते रहना, रहना ही तो इस जिंदगी का सुख है चैन है अमन है शांति है तो आप भी प्लीज हंसते मुस्कुराते नाचते गाते हमेशा रहिए खुश रहिए शांति में रहिये यही मेरी दुआ है अल्लाह हाफिज